नमस्कार दोस्तों, आज 13 मई 2022 है और ये प्री मार्केट रिपोर्ट है जो अब तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इंसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक 5paisa का डीमैट लिंक है जिसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें। ऑल्सो हमारा मेंटरिंग प्रोग्राम जो है रीपैकेज रीलॉन्च हुआ है, जहां अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, अपने मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट वगैरह आपको हफ्ते में 3 बारी दो दो घंटे लाइव बिठाकर बताते हैं। 1 महीने का प्रोग्राम है तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो 9871066337 पर कांटेक्ट करें। अब कल S&P 500 जो है वो लोअर लेवल से एक मामूली रिकवरी थी और आज सुबह फिर से जो है डाउ फ्यूचर्स कुछ 185 पॉइंट्स ऊपर है। उसकी वजह से एशिया में कुछ हरियाली है और अगर हम अभी इस वक्त निफ्टी SGX देखें तो वहां पे भी एक मामूली आपको रैली नजर आ रही है 15982 तक। और इसकी जो मेन वजह है वो वजह समझनी जरूरी है। इसकी मेन वजह ये 15,500 से 16,000 का जो ये पुराना एक कंसोलिडेशन था वो है, जहां से लास्ट टाइम भी हम बाउंस बैक करे थे तो इस सपोर्ट से वापस कुछ हद तक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये सपोर्ट बहुत देर तक होल्ड नहीं करना चाहिए और मार्केट जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से एक्ट करेगी तो 100-150 पॉइंट रैली के बाद वापस जो है डिक्लाइंस यहाँ पे शुरू हो जाएंगे ऊपर की तरफ। कॉल राइटिंग 16,000 16,100 पे काफी है तो इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि ये जो सपोर्ट है ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग सपोर्ट नहीं होगा। अब सिमिलरली बैंक निफ्टी में वो आज का दिन क्रिटिकल रहेगा क्योंकि वहां पे भी किसी लेवल का के सपोर्ट जोन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसको अगर हम इस तरफ एक्सटेंड करें तो यहाँ पे काफी एक सपोर्ट 33,000 33,200 के आसपास आ रहा है तो जो गैप अप होगा उसमें ये देखना पड़ेगा कि वो गैप अप किस लेवल तक सस्टेन करता है और कहाँ उसमें सेल ऑफ आना शुरू हो जाता है। अब तक के जो गैप अप्स हैं वहां पे मोटे तौर पे सेलिंग का सामना करना पड़ा है।
बाजार का स्ट्रक्चर कमजोर है, तो बहुत लंबी रैलीज या बहुत लंबा जो है सपोर्ट की आशा नहीं करनी चाहिए। और जो सपोर्ट आएगा भी उसमें काफ़ी एक मॉडेस्ट अपसाइड की गुंजाइश फिलहाल लगती है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक सेल कर सकते हैं, 702 का स्टॉप, टारगेट 682 का। विप्रो बाय कर सकते हैं, 465 का स्टॉप, टारगेट 485 का। डीएलएफ बाय कर सकते हैं, 319 का स्टॉप, 332 का टारगेट। जेएसडब्ल्यू स्टील बाय कर सकते हैं, 630 सेल कर सकते हैं, 635 का स्टॉप, 605 का टारगेट। और आईसीआईसीआई प्रू सेल कर सकते हैं, 497 का स्टॉप, 473 का टारगेट। तो अब जरूरी मुद्दा यहाँ पे ये है कि मार्केट में कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन वो एफआईआई की शॉर्ट कवरिंग है, जो उनकी लॉन्ग शॉर्ट 21% अब हो गई है, वो थोड़ा सा अनलाइकली है। तो जो शॉर्ट कवरिंग है वो एक सपोर्ट लेवल पर पहुंचने की वजह से है, और चांसेस आर कि इनिशियल अर्ली मॉर्निंग कुछ अपसाइड के बाद आपको वापस सेकेंड हाफ में डिक्लाइन मिलने के अच्छे चांसेस हैं। मैं बहुत हैरान हूँगा अगर हम 16,000 के ऊपर किसी भी वक्त ट्रेड कर पाते हैं। तो अगर वहाँ पे जाकर वीकनेस आती है तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने के का एक रुझान रखें। जैसा कि मैंने कल जो स्ट्रेटजी आपको बताई थी कि सुपर ट्रेंड के लेवल पे जाकर आपको काम करना चाहिए, तो सुपर ट्रेंड इस वक्त आवरली पे 16,104 है, 16,104 है। तो उसके आसपास अगर हम जाते हैं तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के रिवर्सल नीचे की तरफ वापस ट्रेड किया जा सकता है। इस वक्त के SGX पे मैं इतना बैंक नहीं करूंगा, क्योंकि कल की जो हमारी लोकल इन्फ्लेशन थी वो इनटू अकाउंट नहीं लेता है, तो वो एक काइंड ऑफ ग्लोबल क्यूज ही अकाउंट में लेता है। तो ओवरऑल मार्केट कमज़ोर है, डाउन ट्रेंड में है, और एक मामूली रैली की उम्मीद लगती है। लेकिन अगर इस रैली के बाद वापस हम 15,700 के आसपास आते हैं, 15,700 के पास, तो इस बारी 15,700 बहुत चांस है कि टूट जाएगा। तो इन रैलीज में जो लोग फंसे हुए हैं उनको एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी भी डाउनसाइड बाकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com की वजह से पहुंची। टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड गुड लक।